अब देखिए स्टूडेंट समान पात्रता परीक्षा, ये स्नातक लेवल हो गया, ये परीक्षा की स्कीम हो गई, ये प्रश्नों की संख्या हो गई 150 क्वेश्चन, और ये आपके अंक हो गए मार्क्स, और ये 3 घंटे का पेपर हो गया। अब देखिए 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, ये जरूर अच्छे से याद रखना है, इसीलिए आपको जो क्वेश्चन आए वही टिक करके आने हैं, अदरवाइज छोड़ जाना, ठीक है, क्योंकि छोड़ने से भी आप ज़्यादा स्कोर करते हैं। अभी यहाँ देखिए ये जो कंप्यूटर का ज्ञान है, इस पे हमने ऑलरेडी जो पूरा कंप्यूटर का सिलेबस है वो चैनल पे अपलोड कर दिया गया। ग्रेजुएशन वालों के लिए तो करीब करीब 95% सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, एक टॉपिक रह गया वो करा देंगे, और जो सीनियर सेकेंडरी वालों के लिए है कंप्यूटर का सिलेबस वो 100% कंप्लीट करा के अपलोड कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा समसामयिक घटनाएं रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई जा रही हैं, तो ये दो टॉपिक तो हमारे चैनल से आपको पूरे कंप्लीट करा दिए गए हैं, है ना, करा दिए जा रहे हैं और करा दिए गए भी हैं। अब देखिए राजस्थान का भूगोल, इस पर मैराथन क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आपके देखो लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो हम इसको क्या कंटिन्यू रखे, पूरा कंप्लीट करा देंगे, अदरवाइज़ इस पर भी हमने 50% से ज़्यादा राजस्थान का भूगोल बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ाया है, जिसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा देखें इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, ये भी हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, कंप्यूटर का सिलेबस जो हमने कराया है उस पर बच्चों के बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा है कि आपको विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी भी करा देते हैं, जिससे आप इन दोनों सेक्शन में फुल में से फुल मार्क्स ला सकें, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ के जाएंगे तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। बस अब देखिए ये विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी जो सूचना है संचार प्रौद्योगिकी, इसको आके देखते हैं आज के लेक्चर में, और ये 12 टॉपिक्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इनको आपके कंप्लीट करा दिए जाए। बस हमें क्या चाहिए, आपके लाइक्स चाहिए, क्योंकि जिस भी वीडियो पे देखो लाइक्स होते हैं फिर उसी से हमें मोटिवेशन आता है, साथ साथ आपके कमेंट्स, ये दो चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में भी है या नहीं है, है ना। अब ये अन्यथा ऐसा ना लें कि मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए करता तो मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके भी ये कंप्यूटर का कोर्स पढ़ा सकता था, परंतु यहाँ मैंने ऑनलाइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कंप्यूटर का कोर्स कराया है। अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत वर्थफुल है तो आपके कमेंट्स एंड लाइक्स वो चाहिए बस, ठीक है, इतना आप हमारे लिए कर सकते हैं। आ जाइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए स्टूडेंट, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये आपने नाम पढ़े सूचना एवं संचार, तो अब इसको पढ़ते ही आपके मन में पहला विचार क्या आया, जो भी आपके मन में पहला विचार आया उसी के बेसिस पर आप इन टॉपिक्स को आगे समझते जाएंगे। देखो जो मैं समझाऊंगा उससे पहले आप खुद से समझने का ट्राई करेंगे तो आप एग्जाम में और ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए सूचना क्या होती है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन, और प्रौद्योगिकी होती है टेक्नोलॉजी। तो हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की सहायता से जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने पड़ोसी को, जैसे मान लीजिए ये आप है, ठीक है, और ये आपका दोस्त है, यहाँ पर इस जगह पे साइड में ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप हैं और ये आपका दोस्त बहुत दूर है, मान लीजिए ये अर्थ हो गई, अब ये अर्थ के इस कोने पर है और आप अर्थ के इस कोने पर है, और आपको इन्फॉर्मेशन इस भाई को पहुँचानी है, तो आप कैसे पहुँचाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएंगे और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन इस भाई तक पहुँचाएंगे। या तो आप एक तार बिछा दीजिए या आकाश में कोई सैटेलाइट लगा दीजिए, यहाँ पर एक जैसे ये छतरी है लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पर ये जो छतरी है इससे क्या होगा, सिग्नल जाएंगे और ये ऊपर ये जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट घूम रही है, ये सैटेलाइट से क्या होगा, ये नीचे वापस से किसी दूसरी ऐसी छतरी होगी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देगी, मतलब जो टावर लगे रहते हैं आपके घरों के बाहर टावर देखेंगे, तो ये टावर क्या है, इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, ये टावर क्या दे रहा है, ये छतरी क्या दे रही है, इन्फॉर्मेशन भेज रही है। तो हमारे पास में जब भी हमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में कुछ करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले डेटा होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो आप ये भेज पाएंगे, अब आपके पास मान लीजिए डेटा है ही नहीं तो क्या आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, किसी को क्या भेजेंगे भैया आप। जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक आंटी है ए नाम की और ये बी आंटी, बी नाम की एक दूसरी आंटी है, तो ये जो आंटी हैं इनको चुगली करनी है अपनी जेड नाम की आंटी की, बी से किससे करेंगी चुगली जाके, इससे करना चाहती हैं, किसकी चुगली करना चाहती हैं, जेड की चुगली करना चाहती हैं। तो अब इनके पास में कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, है ना, अगर जैसे मान लीजिए इनको चुगली करनी है और इनके पास में डेटा है ही नहीं, पहली बात तो, है ना, इनके इन ए आंटी हैं, इनके पास में जेड के बारे में कोई शिकायत कोई कंप्लेंट है ही नहीं और ना इन्हें उन्हें जाना इनके बारे में, तो ये जब बी से मिलेंगी तो इसके बारे में कोई चुगली कर पाएंगी क्या, बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। देखिए वैसे तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, नहीं कर पाएंगी, परंतु ये आंटी हैं और ये जाएंगी तो कुछ ना कुछ कंप्लेंट कर आएंगी, क्योंकि ये अपने आप से कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर देंगी, कैसे कर देंगी, क्योंकि इनके पास में इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं,
मैंने उसे वहाँ देखा था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, ऐसे करके ये अपने आप कोई इन्फॉर्मेशन कोई डेटा जनरेट कर लेंगी, है ना। तो हमें इन्फॉर्म जब भी हमें सूचना संचार प्रौद्योगिकी का सहायता लेना है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास एक डेटा होना चाहिए, ठीक है। जनरली क्या होता है, डेटा होता है किसी ना किसी फॉर्म में, अगर डेटा नहीं हो तो उसे क्या किया जाता है, क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है सामने वाले से, बी से ये कम्युनिकेट करना चाहती हैं, आपने समझा। अगर इनके पास में डेटा नहीं होता तो ये क्या करेंगी, बी के पास जाएंगी, साइलेंट बैठ जाएंगी, परंतु ये बहुत ज़्यादा समझदार हैं तो अपने आप से क्रिएट भी कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो आप भूल ही जाइए, कोई आंटी जाएंगी और दूसरी आंटी के पास बैठेंगी अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन ही ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, जनरेट कर लेंगी, है ना। आ जाइए अब देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन समझ में आ गया। अब इसमें हमें सिर्फ टर्म समझ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा डेप्थ में बता देता हूँ आपको, जिससे आपके एग्जाम में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करें। अब देखो सूचना प्रौद्योगिकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, आंकड़े, आंकड़े मतलब होता है डेटा, डेटा की प्राप्ति, सूचना संग्रहण, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से संबंधित है। अब ये कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ के बीच में आ गए, ये इसलिए आ गए क्योंकि हम बहुत बड़े ग्लोब पर रहते हैं, बहुत बड़ी धरती है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे आप बैठे हैं और यहाँ पे आपको यहाँ भेजना है तो आप क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे, फिर उसको पोस्ट करेंगे। और कंप्यूटर क्या है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर क्या है, हम क्या इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का, तो हमें क्या है, टेक्नोलॉजिकल जो जो डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करने के लिए। इसीलिए हम क्या है, यहाँ पर जो हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, उनसे संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में वाणिज्य व्यापार अभिन्न अंग बन गए हैं। तो ये सब क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी क्या बन गए हैं, अभिन्न अंग बन गए हैं। अब यहाँ देखिए संचार क्रांति, संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बोलते हैं संचार क्रांति के फलस्वरूप अब दूर संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना जाने लगा है और इससे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्यों कहा जाता है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, इसके बिना हम क्या है, इन्फॉर्मेशन आगे भेजेंगे परंतु फिर वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से नहीं होगी, वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होगी और हमें टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें क्या है, जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब देखिए एक उद्योग के तौर पर ये एक उभरता हुआ क्या है, क्षेत्र है, हालांकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पर कैमरा ऑन कर लेता हूँ, एक सेकेंड कैमरा ऑन कर लेता हूँ, ये मैं आ गया, ठीक है, छोटा कर देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, आ जाओ। I think I am visible to you. If I am not, then you can. एक सेकेंड में इसको कॉपी करता हूँ, छोटा करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, आपके सामने कर लेता हूँ, क्योंकि देखो ये आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब देखो मैंने इसको कॉपी किया, अब मैं क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में जाऊँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर, तो मैं कैमरे में यहाँ भी आ गया। बाद में हम क्या करेंगे, आगे वाली स्लाइडों में भी जोड़ते जाएंगे, और ये सारी स्लाइडें तो मुझे वैसे भी आपको पढ़ानी है तो फिर आपको आपके सामने होनी चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न घटक, घटक मतलब टूल्स, ठीक है। अब ये टूल्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सही से लिख दूँ क्या, कई बच्चे होते हैं वो सोचते होंगे यार मैं कैसे लिख देता हूँ, यार मेरी राइटिंग ऐसी है क्या करें, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, ये टूल्स लिखा है मैंने। अब देखो सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न घटक जो टूल्स हैं कौन कौन से, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे मान लीजिए आपके सामने दिख रहा है सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ये कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के अंदर आप ये देख रहे हैं ये एप्लीकेशंस हो गई, तो ये भी तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स हो गए, है ना। इनसे क्या करते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपके पास में कंप्यूटर बहुत बड़ा कंप्यूटर है पर उसके अंदर एप्लीकेशन ही नहीं है, ईमेल ही नहीं है, आप कैसे भेजेंगे, है ना, तो हमें क्या है, एप्लीकेशन भी चाहिए, तो हमें सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है भाई। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, सारी ही चीज़ें होनी चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है, दूर संचार नेटवर्क होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, आपने क्या कहा, एक जंगल में गए, ठीक है, ऐसे तो समझ में आएगी चीज़ें। अब देखिए आप कहाँ गए, जंगल में, ठीक है, अब आप जंगल में गए और एक कंप्यूटर हार्डवेयर ले गए, मतलब एक मॉनिटर ले गए, इसका कीबोर्ड ले गए और एक सीपीयू ले कर चले गए, सॉफ्टवेयर के नाम पर अब दो सीडी ले गए, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली सीडी ले गए जिसमें विंडोज डली होती है, ठीक है, और दूसरी सीडी ले गए गेम्स की, ठीक है। अब आप एक तो विंडोज़ है और एक गेम्स है और आपके पास में क्या है, डेटा है, डेटा किस चीज़ का, आपके पास खुद का डेटा है, पर्सनल डेटा है, ठीक है,
ठीक है। पर्सनल डेटा में क्या है कि मैं सुबह उठता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, ठीक है। ये आपकी डेली रूटीन है। अब अच्छा, इसमें दो चीज़ें और जोड़िए, सुबह उठता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, ठीक है। सोने से पहले इंस्टाग्राम चलाता हूँ, फेसबुक चलाता हूँ, ठीक है, वीडियो गेम खेलता हूँ और यूट्यूब देखता हूँ, पर पढ़ता नहीं हूँ, तो क्या एग्ज़ाम पास हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई एग्ज़ाम में इनमें से कुछ आने वाला ही नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम में इंस्टाग्राम से रील्स आते, उनके जो स्टार्स हैं इंस्टाग्राम स्टार्स हैं, उनके जीवन बायोग्राफी पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते, तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप कर जाते। या फेसबुक पे जो जो चीज़ें आप देख रहे हैं उनमें से अगर कुछ आ रहा होता तो आप पास कर जाते, ठीक है। तो आप ये देखिए ना, आपके एग्ज़ाम का टॉपिक क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी दिनचर्या है या उसके अलग दिनचर्या है। उसके अलग दिनचर्या है तो एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे, ठीक है। ये अपने किताब पे लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, पास नहीं होंगे। जो एग्ज़ाम के टॉपिक्स हैं उनको नहीं देख रहे हैं हम, उसके अलावा सब कुछ देख रहे हैं तो एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सिलेबस में जो लिखा हुआ है एग्ज़ाम में वही आएगा, उसके बाहर की चीज़ें हम करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए, देखो सूचना प्रौद्योगिकी में विभिन्न घटक हम देख रहे थे, इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हमने इनके बारे में देखा कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, जैसे हमारे पास माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जिसको हम टच एंड फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, हार्डवेयर होती है। देखो यहाँ कंप्यूटर के अंदर सर्वर, बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ साथ इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस है ना, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हार्डवेयर हो गया। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, डेटाबेस प्रबंधन हो गया है ना, सर्वर हो गया, व्यापारिक वाणिज्य सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आपके पास मान लीजिए, मैंने बताया कि आप जंगल में गए हैं, ठीक है, जंगल में आप हार्डवेयर लेके गए हैं और सॉफ्टवेयर के नाम पे सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम लेके गए हैं। अब आप बताइए कि ये जो जंगल है ये अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेज रही है इंडिया में, तो क्या इस जंगल से आप ये इन्फॉर्मेशन इंडिया में भेज सकते हैं क्या, जबकि आपके पास हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, बताइए चलिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो देखिए आप, मैं बताता हूँ इसका आंसर, आप इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पाएंगे। क्यों? क्यों नहीं भेज पाएंगे? जबकि आपके पास सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, फिर भी नहीं भेज पा रहे, और आपके पास डेटा भी है, डेटा खुद का डेटा है कि आप सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, वो डेटा भी है, इतना इंपॉर्टेंट डेटा आपका, ठीक है। अब वो डेटा आप कैसे भेजेंगे यहाँ तक, जबकि ये दो डिवाइसेस चाहिए होती है। इसके अलावा हमें चाहिए होता है क्या, नेटवर्क, दूर संचार। अगर आपके पास में नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क के साथ में नेट नहीं है, ठीक है, तो आप इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पाएंगे। मान लीजिए आपके पास टावर है, नेटवर्क भी आ रहा है, पर इंटरनेट नहीं है उसके अंदर, फिर भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी आपको इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है तो आपके पास में सारी ही डिवाइसेस होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगर आपके पास एक भी डिवाइस नहीं है तो आप इन्फॉर्मेशन कैसे भेजेंगे, बताओ? आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, मान लीजिए सब कुछ है, डेटा नहीं है, कैसे भेजेंगे, क्या भेजेंगे, कुछ भी नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। अभी सोचिए, अभी मान लीजिए आप यूट्यूबर नहीं है, ठीक है, आप YouTube पे कुछ भी नहीं करते, कोई रील्स नहीं बनाते, कुछ नहीं बनाते, तो आपके पास डेटा ही नहीं है भाई, आप YouTube पे है ही नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे। मान लीजिए आपके पास डेटा है पर आपके पास नेट नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है जिससे रिकॉर्ड करेंगे, फिर कैसे भेजेंगे, फिर नहीं भेज पाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या है, सारी चीज़ें चाहिए। अगर आपको ये तीन चार बातें समझ में आ गई तो आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझ में आ गया, इससे बाहर फिर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। फिर हमें जो की पॉइंट्स हैं वो देखने हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसके अंतर्गत दूर संचार के माध्यम प्रक्रम प्रोसेसर तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार या बेतार आधारित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा, सूचना का कूटन है ना, क्रिप्टोग्राफी आदि जरूरत है। या तो देखो हमें नेटवर्क किस तरीके का होना चाहिए, नेटवर्क एक तो होता है तार बेस्ड, एक होता है टावर, एक टावर इधर लगा दिया, एक टावर इधर लगा दिया, उनसे हम क्या होगा, हम इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। या फिर एक इस खंबे से हम एक तार लाए, अपने घर में ला के जोड़ दिया, अब जब भी अपन कुछ भेजेंगे इस तार के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आगे चली जाएगी। तो हमें तार वाला माध्यम, बेतार वाला माध्यम, यही सारी चीज़ें पढ़नी है। इसमें और क्या देखेंगे, मानव संसाधन। अब देखिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आदि आ जाइए। मानव संसाधन क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। जैसे मान लीजिए ये टावर है, अब इस टावर की मेंटेनेंस करने के लिए कोई काम तो चाहिए ही ना, वरना ये टावर ही खराब हो जाएगा। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इनके काम होते हैं, इनके ये काम है कि जो हमारा नेटवर्क प्रणाली है कम्युनिकेशन करने के लिए, उसको सुचारू रखने का काम करते हैं। ये मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स जिसको बोलते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो HR रखती है, क्यों रखती है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं, डेस्क वर्क होता है, एक आउट वर्क होता है ना, डेस्क पे बैठ के काम होता है, एक मार्केट
सेटिंग वाला काम होता है। अब इन सब के लिए अलग अलग हायरिंग करता है, कौन करता है, एचआर डिपार्टमेंट करता है। तो ये क्यों करता है, जिस तरह का काम उस तरह के बंदे रखने का काम कौन करेगा, एचआर डिपार्टमेंट करता है। और ये मानव संसाधन यही बात बता रहा है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो सिस्टम पर बैठ कर नेट वो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, है ना, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो नेटवर्क को संभालेगा, नेटवर्क सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, भाई नेटवर्क ही नहीं चलेगा तो कैसे काम करेंगे। आ जाइए आगे, इतनी चीज़ सही समझ में आई हूँ तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव, अब देखो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, आ जाइए देखें ज़रा, देखो इसके पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे। पॉजिटिव प्रभाव से क्या हो रहा है, समाज में तरक्की हो रही है। नेगेटिव प्रभाव से क्या हो रहा है, समाज में रिडक्शन आ रहा है। नेगेटिव प्रभाव क्या है, जैसे मान लीजिए हैकिंग कर लेना, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या होगा, आप किसी के डेटा को चुरा लेना, ठीक है, आपने चोरी कर ली, किसी को थेफ्ट दिया आपने, मतलब इलीगल मिसयूज़ कर रहे हैं। पॉजिटिव में होगा, आप जैसे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, ये एक तरीके का क्या है, पॉजिटिव प्रभाव है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लर्निंग, ई लर्निंग कर रहे हैं हम, बैठ के एक दूसरे के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, तो यही सारी चीज़ें हैं। आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, बाकी तो सारी यही है ना, जैसे ई लर्निंग हो गया, ई हेल्थ हो गया, व्यापार हो गया, प्रशासनिक ई गवर्नेंस हो गया, उद्योग अनुसंधान विकास हो गया, धर्म आदि सभी काम क्या प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अच्छा चले आगे आ जाओ, अब देखिए स्टूडेंट, सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व है ना, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलेंगे, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसने हमारे जीवन में किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो सूचना टेक्नोलॉजी है इसकी सहायता से जो सर्विस इकोनॉमी है इसको क्या है, बहुत ज़्यादा बूस्टअप ग्रोथ मिलती है। जो पिछड़े देश होते हैं उनमें सामाजिक और आर्थिक विकास में ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, इसमें योगदान देने में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही है। कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस लाने में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। गरीब जनता है तो उसको सूचना संपन्न बना के उसकी जो निर्धनता है उसको क्या है, रिड्यूस करती है। सूचना संपन्नता से सशक्तिकरण होता है, एम्पावर होता है लोग क्या है, जैसे मान लीजिए किसी के पास में ए बंदा है, अब इसके पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, परंतु जब ये क्या होगा, इन्फॉर्मेशन रिच हो जाएगा तो ये एम्पावर हो जाएगा, इसको लोग क्या होंगे, पूछेंगे, इसको काम देंगे। सूचना तकनीकी प्रशासन सरकार में पारदर्शिता लाती है और भ्रष्टाचार को क्या करती है, कम करती है। ट्रांसपेरेंसी कैसे लाएगी, जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब चलाते हैं, है ना, आप किसी सरकारी ऑफिस में गए, अब आपने क्या देखा कि ये बंदा सो गया, तो आपने क्या करा, वीडियो रिकॉर्ड करा और यूट्यूब पर डाल दिया कि भाई ये सरकारी डिपार्टमेंट में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा भैया यहाँ पे कोई काम नहीं करते, और साथ साथ अगर इसने पैसे मांगे तब भी आप इसका वीडियो बना लेंगे। और ये क्या करेगा, भ्रष्टाचार को कम करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, पारदर्शिता लाता है, आप अवेयर हो जाते हैं, आपको ये घर बैठे बैठे पता चल जाता है कि भाई एक फॉर्म है उसकी फ़ीस 100 रुपये ही है, परंतु कोई आपसे 200 रुपये लेगा तो आपको पता चल जाएगा भाई 100 रुपये ज़्यादा ले रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह के काम कैसे हुए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं, नॉलेज रिच हुए हैं, ठीक है। सूचना तकनीक का प्रयोग योजना बनाने में, नीति निर्धारण में, निर्णय लेने में कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जब आपके पास में मान लीजिए सूचना तकनीकी है, इन्फॉर्मेशन टूल्स है, जैसे मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में, अब आपने कोई योजना बनाई, आपने उसके रिव्यूज़ लिए कि भाई इसके रिव्यूज़ लिख के बताइए, तो तुरंत क्या होंगे, लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। जैसे आपने ट्वीट कर दिया तो ट्विटर पे लोग तुरंत उसका रिप्लाई करते हैं कि भाई अभी पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वहाँ से आप ये जान सकते हैं कि जो योजनाएँ बनाई जा रही हैं ये प्रभावी भी हैं, लोगों के हित में हैं कि नहीं है, है ना। कोई आप पॉलिसी बनाना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी पाकिस्तान क्या है, कंटिन्यू उधर से बम फेंक रहा है, ठीक है, अब क्या हुआ, आप निर्णय नहीं ले पा रहे कि भैया हमें भी बम फेंकने हैं कि हमें क्या करना है, मिसाइल लगनी है कि हमें इनके सोल्जर को गोली मारनी है, हम नहीं डिसाइड कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, निर्णय लेने में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता ले सकते हैं कि देखिए भाइयों और बहनों ऐसे करके, जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो बोलते हैं ना कि देखो 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 इस तरीके से, तो अब वो भी क्या है, निर्णय लेने में क्या करते हैं, निर्णय तो वो खुद ही लेते हैं सारे, परंतु क्या भाइयों और बहनों इतना अच्छा बोलते हैं कि लोग इंस्पायर हो जाते हैं उनसे। तो ऐसे ही क्या होता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जब भी आपको कोई निर्णय लेना है तो आप उनकी सहायता ले सकते हैं, किनकी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, लोगों की सहायता से आप वो निर्णय ले सकते हैं कि आपको इनके अगेंस्ट में बम भी फेंकने हैं कि आप मिसाइलें दाग सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, नए रोजगार सृजन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जब से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांति आई है तो लोगों क्या है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से सरकारी नीतियों को असरदार बनाया जा सकता है। असरदार कैसे बनेंगी, जैसे मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए ऊपर से सेंशन हो गए, परंतु जनता तक कब पहुंचेंगे, जब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लोगों को ये अवेयर करा दिया जाएगा कि आपके लिए एक स्कीम है, जैसे मान लीजिए रोड बनाने की स्कीम है या फिर नल लगाने की स्कीम है, और लोगों को तक पता होगा कि आपके अगर शहर में नल नहीं है, आपकी गली में नल नहीं लगा हुआ, तो आप यहाँ पर इस
एप्लीकेशन पर जाइए और कंप्लेंट फाइल कीजिए, 2 दिन के अंदर आपके नल लग जाएगा। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी से बहुत ज़्यादा आसान हुआ है, वो लोग अपने हक के बारे में जान पा रहे हैं और इसी से क्या होता है, सरकारी नीतियाँ प्रभावी बनती हैं। जब आपको अपने हक के बारे में पता होगा तभी आप क्या होंगे, सरकारी नीतियों को बहुत ज़्यादा असरदार बना पाएंगे, ठीक है। और लोकतंत्र में तो ये सूचना प्रौद्योगिकी एक तरीके से रामबाण बनकर आया है। आ जाइए आगे चले, देखिए आगे चलने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। बताइए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, परम, सुपर कंप्यूटर 301, KYMP और इनमें से कोई नहीं, KYMP, ठीक है। तो आप इनमें से बताइए कौन सा आंसर होगा। ये तो मैंने वैसे ही लगा दिया, सी नहीं है वैसे भी, ठीक है, सी नहीं है, आप बताइए, ठीक है, आपको लगा हो सी होगा। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखिए आ जाइए यहाँ पढ़ते हैं सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स, ठीक। अब ये टूल्स में हम देखो टूल्स क्या है, सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आप है ना, आपको एक पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, ठीक है। अब ये लेटर लिखने के लिए आपके पास क्या टूल्स है, आपके पास ये पेन है, कलम ही आपका हथियार है और जो आपका हथियार होता है वही टूल है। अब आपको कोई इन्फॉर्मेशन सूचना तकनीकी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब जहाँ टेक्नोलॉजी वर्ड जुड़ जाएगा वहाँ पर आप कलम से थोड़ी लिखेंगे, वहाँ आप किससे लिखेंगे, कीबोर्ड से लिखेंगे। तो आपका टूल क्या हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सभी डिवाइसेस हो गए जिसके माध्यम से आपके पास में आप क्या है, सेंडर हैं, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, आप क्या है कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसको, रिसीवर को, जो रिसीव करेगा। अब जैसे मान लीजिए इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, इन दोनों के बिना तो ये चैन ही अधूरी है। आपके पास मान लीजिए कंप्यूटर है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपके पास में डेटा है, मान लीजिए सारी चीज़ें हैं, आपके पास नेटवर्क है, डिवाइसेस है, सब कुछ है, परंतु रिसीवर नहीं है, क्या करेंगे आप ऐसी इन्फॉर्मेशन किसको भेजेंगे। मान लीजिए वही, मान लीजिए आप पूरी धरती पर आप अकेले हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आप क्या इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, किसी को नहीं भेज सकते, कोई सुनने वाला नहीं, कोई रिसीव करने वाला नहीं। तो एक क्या होता है, सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, इनके बिना क्या होगा, कोई भी कम्युनिकेशन संभव नहीं है, ठीक है। अब जो टूल्स हैं वो देखते हैं, देखो कंप्यूटर संचार, कंप्यूटर कम्युनिकेशन में किसी भी कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी संभव है जब वे अन्य कंप्यूटर से जुड़ा हो, और एक अन्य कंप्यूटर से कैसे जुड़ता है, अन्य कंप्यूटर से नेटवर्क की सहायता से जोड़ा जाता है, ठीक है। अब नेटवर्क या तो कैसा होगा, या तो तार होगा वायर वाला, या फिर एक होगा विदाउट वायर, ठीक है, विदाउट वायर। अब विदाउट वायर तो आप अच्छे से जान गए, मॉडम, देखो मॉडम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टावर है, ठीक है, ये टावर लग रहा है, टावर पे छतरियाँ लग रही हैं, अभी छतरियों से क्या होता है, नेटवर्क इंटरनेट वो तरंगों के माध्यम से मॉडम से इंटरनेट आ जाता है, और या फिर आप इनसे एक तार जोड़ दीजिए, ठीक है, जैसे चाहे वैसे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि आप किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए किसी कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी जबकि वह अन्य कंप्यूटर से जुड़ा हो, वर्तमान युग में यदि कोई कंप्यूटर दूसरे किसी प्रकार से नहीं जुड़ा है तो वह अधिक उपयोगी नहीं है। आप बताओ इसको अधिक उपयोगी नहीं है क्यों लिखा है, अधिक उपयोगी नहीं है इसलिए लिखा कि अगर जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर है आपके सामने और इस कंप्यूटर को अपन किसी भी नेटवर्क से नहीं जोड़ा है तब भी आप इसमें अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, आप इसमें गेम खेल सकते हैं, आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे अन्य काम है वो कर सकते हैं, परंतु आप जो मेन काम है वो नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आपको किसी दूसरे से कम्युनिकेट करना है वो नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई ईमेल सेंड नहीं कर पाएंगे, कोई रिसीव नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप कोई गूगल वेबसाइट इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यूट्यूब नहीं देख पाएंगे, है ना, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाएंगे, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, मतलब आप नेटवर्क किसी अन्य नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं तो आप बहुत सारे जो मेजर वर्क्स हैं वो तो नहीं कर पाएंगे, बाकी छोटे छोटे काम कर सकते हैं। कंप्यूटर किसी बड़े नेटवर्क अथवा इंटरनेट से जुड़ा है तो वह बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को तक सूचना एवं डाटा का आदान प्रदान क्या कहलाता है, डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। आज कोई भी व्यक्ति घर बैठे राह में कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकता है, जैसे वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है तथा किसी भी प्रकार की सूचना प्रेषित अथवा प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ देखिए मैं एक सेकेंड ये छोटा करता हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको बड़ा कर लिया, अब मैं वापस से आपके सामने आऊँगा। अब आप यहाँ देखिए ये एक कार हो गई, इस कार में क्या लगा, GPS, और ये हो गई सैटेलाइट,
ठीक है। तो ये सैटेलाइट से क्या हो, जीपीएस सिग्नल रिसीव कर रहा है, और ये सिग्नल क्या होता है, अलग अलग टावरों से इस पर अटैच होता है, और ये हमें क्या है, नेविगेट करता है। नेविगेशन मतलब हमें रास्ते बताता है। तो हम ये देख रहे हैं ना कि जब ये इंटरनेट से जुड़ जाती हैं चीज़ें, तो इसके बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं। अब ये मोबाइल है, मोबाइल क्या हो रहा है, ये इस पीसी पर क्या भेज रहा है, सिग्नल भेज रहा है या ले रहा है यहाँ से, है ना, और यहाँ से ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो जो भी अपन इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं वो कंप्यूटर में जा रही है, कंप्यूटर से मोबाइल में आ रही है, मोबाइल से टावर पर जा रही है, टावर से कार में आ रही है, कार से फिर सैटेलाइट तक जा रही है। जैसे चाहे वैसे भेज दीजिए, उल्टा सीधा घुमा दीजिए, माया जाल होता है एक तरीके से। नीचे वाली फ़ोटो इसको पूरी तरीके से क्लियर जस्टिफाई करती है इस चीज़ को, या आप देख के समझ भी सकते हैं। देखिए, आज कोई भी व्यक्ति घर बैठे अथवा रहा में कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकता है। बातचीत कैसे कर रहा है, वीडियो कॉल के थ्रू, है ना, वीडियो ऑडियो कॉल कर सकता है, कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर सकता है। कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चीज़ों की जरूरत है, कम्युनिकेशन करने के लिए एक होता है सेंडर, एक होता है डिवाइसेस, दूसरा होता है डाटा, और एक होता है रिसीवर। अगर ये चीज़ें हैं और ये सब नेटवर्क से जुड़ी हुई होनी चाहिए, और ये सब चीज़ नेटवर्क से अगर जुड़ी हुई है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगा तथा किसी भी प्रकार की सूचना प्रेषित अथवा प्राप्त कर सकते हैं। ये सब डेटा संचार के बिना संभव नहीं है, है ना। रेलवे रिजर्वेशन तंत्र हो गया, होटल रिजर्वेशन तंत्र हो गया, एयरलाइंस हो गया, आदि में हज़ारों टर्मिनल्स होते हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने स्थान से रिजर्वेशन करा सकता है। यह सब प्रक्रिया डेटा संचार के द्वारा ही संभव हो पाई है, मतलब डेटा कम्युनिकेशन के द्वारा ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपने अपना जो डाटा है इसे फीड किया और कम्युनिकेट करके आपने इन चीज़ों का लाभ उठा लिया। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चले। अब देखिए यहाँ पर डेटा संचार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वाई वी नीड द नेसेसिटी ऑफ दिस डेटा कम्युनिकेशन, क्योंकि क्या है भाई, हमारे पास एक है डेटा और अब वो हमें भेजना है किसी को, बंदे को, जैसे बी बंदा है। जब तक हमारे पास डेटा नेटवर्क नहीं होगा तब तक हम भेज नहीं पाएंगे, और ये हम इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, प्रेषण माध्यम, प्रेषण माध्यम मतलब ट्रांसमिशन मीडियम, इसका सिंपल सा मतलब है प्रेषक होता है एक सेंडर, प्राप्त करता है और रिसीवर के बीच में। डेटा संचारण के लिए किसी भौतिक फिजिकल मीडियम का आवश्यक है। इस माध्यम का प्रेषण माध्यम ट्रांसमिशन मीडियम अथवा संचार कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है। अब देखो आपको क्या है, ये जो टर्म्स हैं, ये जो नाम लिखे हुए हैं, जैसे प्रेषण माध्यम हो गया, अब जैसे ए से लेकर बी के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है और इनके बीच में जो जो डिवाइसेस आ रही है वो सब क्या होगा, ट्रांसमिशन मीडिया हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया में एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। वापस से बता देता हूँ, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर के बीच में डेटा संचारण के लिए एक फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम क्या हो गया भाई, जो भी डिवाइसेस हैं वो सब फिजिकल डिवाइसेस तो हैं, तो वो फिजिकल मीडियम का होना आवश्यक है, जैसे कंप्यूटर फिजिकल है ना। इस माध्यम को प्रेषण माध्यम ट्रांसमिशन मीडियम, हम जैसे मान लीजिए फिजिकल नहीं होता, अपन बोले फिजिकल माध्यम नहीं है, तो वो तो फिर सपने देख रहा है ना, क्या हो जाएगा, सपने हो जाएंगे कि आपने सपने में कम्युनिकेट करा। ठीक है, अगर फिजिकल माध्यम है तो आप रियली में कन्वर्ट कर रहे हैं इन्फो, मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जब आपके पास फिजिकल मीडियम ही नहीं है तो आप क्या है, फिर सपने में है। ठीक है, अथवा संचार चैनल कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। प्रेषण माध्यम को संभवतः दो भागों में बांटा जाता है, तार वाले, बेतार वाले, जो आपको अभी पीछे बताए थे मैंने, एक होता है तार वाला और एक दूसरा होता है बेतार वाला। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए तार वाले कौन से होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये तार हो गया आपके सामने, है ना, ये देखो तार वाले वायर ट्रांसमिशन जिसमें तार लगे होंगे, दूसरे जो जिनमें तार नहीं होते। अब तार भी कई प्रकार के होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो तार वाले हैं तो इन्होंने गाइडेड माध्यम बोला जाता है, गाइडेड मीडियम, है ना, निर्दिष्ट माध्यम, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने इस डिवाइस से कुछ भेजा इन्फॉर्मेशन तो इसी माध्यम से जाएगी, वो इस माध्यम से थोड़ी जाएगी, तो ये एक गाइडेड है, इनको गाइड कर दिया भैया, ये तुम्हारे पास ये चैनल है मान लीजिए, तो आपको सी चैनल का इस्तेमाल करना, तो इसी से जाएगी इन्फॉर्मेशन, इनसे नहीं जाएगी, तो इसीलिए गाइडेड माध्यम बोला जाता है तार वाले माध्यम को, इतना सा याद रख लें। अब आ जाइए ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अब देखिए ये जो केबल देख पा रहे हैं आप, नॉर्मल सी केबल, अब ये देखिए ये ट्विस्ट नहीं दिख रहा कि काली केबल है और ये रेड केबल है, ट्विस्ट कर रखी एक दूसरे में, अंटे लगा रखे हैं, इसीलिए इसे ट्विस्टेड पेयर केबल बोल दिया, और पेयर का मतलब दो पेयर, दो केबल हैं, है ना, तो दो केबल है और पेयर है, मतलब दो का पेयर है इसमें। ठीक है, अब देखो अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, अनशील्ड का मतलब है इस पर कोई शील्ड नहीं चढ़ी हुई, जैसे मान लीजिए ये शील्ड है, अब इन वायरों पर कोई शील्ड थोड़ी चढ़ी हुई है, तो इसे अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल बोल दिया। ठीक है, अब इसमें भी कोई शील्ड नहीं है, तो सिर्फ क्या है, शील्ड जैसे ये हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल, अब इनके ऊपर कोई शील्ड नहीं है, ये जो प्लास्टिक की है ये तो ट्रैप है, कवर है एक तरीके से।
अब देखिए, सामान्यतः टेलीफोन सिस्टम की जो केबल के रूप में तथा अनेक कार्यालयों में पहले से ही प्रयुक्त हो रही इस प्रकार की केबलों में क्रॉस टॉक की अधिक संभावना रहती है। क्रॉस टॉक की संभावना क्यों रहती है, क्रॉस टॉक का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए। देखो यहाँ पे क्लियर करता हूँ, अब आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने इन्फॉर्मेशन भेजी इस काली वाली वायर से, ये जो काली वाली वायर है इसमें इन्फॉर्मेशन है। अब ये इसके साथ में इस तरीके से ट्विस्टेड हो रखे, ये एक तरीके से बंच हो गया। यहाँ तो दो वायर हैं, पर यहाँ देखिए कितने सारे वायर हैं। जब इनमें से अलग अलग वायरों में से सिग्नल्स जाएंगे तो ये जो कोई दूसरी वायर है उसके साथ भी अपने सिग्नल्स को अटैच कर लेते हैं और क्रॉस टॉक हो जाता है। क्रॉस टॉक का मतलब है कि आपने फ़ोन किया था ए को पर लग गया बी को, ठीक है, जिसको आप जानते नहीं हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आप फ़ोन करना चाह रहे हैं किसी और को, किसी और का फ़ोन आपके पास आ गया या आपका फ़ोन किसी और के पास चला गया, तो वो क्या होता है, यही क्रॉस टॉक की समस्या होती है। और क्यों होती है, क्योंकि ये जो वायर्स हैं इन वायरों में से एक वायर की जगह पर इस वायर में भेजनी थी इन्फॉर्मेशन, इस वायर से होते हुए दूसरे वायर में चली गई, और ये किसी भी कारण से हो सकता है, कमज़ोर हो जाने के कारण या फिर इन वायरों के ऊपर जो कोटिंग हो रखी है, जो ये प्लास्टिक जो चढ़ी होती है वो बहुत पतली होने के कारण भी हो सकता है। तो हमको क्या देखना है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना है कि ट्विस्टेड पेयर क्या केबल क्या होती है, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल पता होनी चाहिए, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल्स पता होनी चाहिए। एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, अभी आप देख सकते हैं कि ये रेड वायर हो गया और ये ब्लैक वायर हो गया, तो ये क्या हो गया, पेयर हो गया केबल्स का। ट्विस्टेड मतलब इनमें अंटे लगे हुए हैं, और शील्डेड मतलब इस तरीके की शील्ड चढ़ी हुई है, जाली जाली दिख रही है, इसी को शील्ड बोला गया है, तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब देखिए अगर हमें कम दूरी का कम्युनिकेशन करना है, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर तक का कम्युनिकेशन करना है, तो हम इसी तरीके का वायर का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो कितनी होती है, 1 से 2 MB, ठीक है, MBPS, मेगाबाइट पर सेकेंड, 1 से 2 MBPS ही स्पीड होती है। अब तो GB में स्पीड पहुंचती जा रही है, आप सोचिए कि ये तो MBPS ही है, और 1024 MB = 1 GB होता है, अब इस हिसाब से हिसाब लगा लीजिए, ठीक है। अब नॉर्मल भी जो स्पीड आ गई है, जो 4G 5G बोलते हैं, उसमें भी 40 MBPS तो नॉर्मल हो गई है, 40 से लेकर अब बढ़ती जा रही है, 2 GB 10 GB तक भी डेटा स्पीड पहुंचा दी गई है। आज ये अब देखिए कम दूरी के संचार, 1 किलोमीटर तक में ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग अधिक होता है। लैन में कंप्यूटर को जोड़ने में इसी केबल का प्रयोग किया जाता है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो अपने एक छोटे से एरिया में, जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज है, कॉलेज के अलग अलग कैंपस हैं, तो उन सबको एक नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया गया, तो वो लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, या एक कॉलोनी का नेटवर्क हो गया। अब ये देखिए कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इसी केबल का उपयोग किया जाता है, इस केबल की डेटा। अब इसी केबल का उपयोग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क है, छोटा 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला होता है, इसलिए इस केबल की डेटा ट्रांसमिशन स्पीड 1 से 2 MBPS प्रति सेकंड होती है, किंतु दूरी बढ़ने के साथ साथ ट्रांसमिशन स्पीड घटती जाती है। अगर जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर के दायरे में अगर इस केबल को बिछा दिया जाए तो दूरी बढ़ जाएगी, अब जो 1 से 2 MBPS की स्पीड आ रही है तो वो घट के कितनी रह जाएगी, 500 KBPS रह जाएगी या फिर 300 KBPS ही रह जाएगी। इसीलिए क्या होता है, दूरी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, रिपीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या होता है, जो इसको रिपीटर्स क्या करते हैं, जो ट्रांसमिशन स्पीड है उसको बनाए रखता है, ठीक है। अब देखिए किंतु दूरी बढ़ने के साथ साथ ट्रांसमिशन स्पीड घटती है, फलस्वरूप बीच बीच में क्या लगाना पड़ता है, रिपीटर्स का प्रयोग करना पड़ता है। अब ये रिपीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ये रिपीटर्स है ना, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज रिपीटर, ठीक है। अब देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग एनालॉग व डिजिटल दोनों प्रकार के संचारण में किया जाता है। अब एनालॉग कौन से होते हैं, एनालॉग होते हैं जैसे मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में इधर लिख रहा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब ये जो कांटा है इस पर है, अब जैसे जैसे रेस घुमाएंगे तो ये कांटा क्या होगा, इधर की तरफ मूव करता है। जैसे अभी मैं बोलूँ ये 40 की स्पीड में जा रहा है ना, तो अब इसकी जगह पे ये 40 की स्पीड पर आ जाएगा। जैसे सुई, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो एनालॉग होती हैं, ठीक है, पर डिजिटल में क्या होगा, डिजिटल में इस तरीके से मशीन होगी, इसमें दिखा देगा 10.00, है ना, फिर ये बढ़ बढ़ के कितना हो जाएगा, 20.30, ऐसे बढ़ता है ना, ये नंबरों में बढ़ेगा, जैसे 20, 30, 40 इस तरीके से नंबरों में इंक्रीज़ करता है, तो वो डिजिटल हो गया। एनालॉग कौन सा हो गया, जो सिंपल मीटर होता है, ठीक है, सिंपल मीटर जैसे सुई का काटा इस तरीके से घूमता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 स्पीड आ जाती है ना, तो ये वाले कौन से हो गए, एनालॉग कंप्यूटर्स हो गए, और डिजिटल कौन से हो गए, डिजिटल होते हैं जिनमें डिजिटल नंबर्स आते हैं, जैसे कि हमारी जैसे डिजिटल वॉच होती है जो अलाउ नहीं होती है एग्ज़ाम में, है ना,
पर एनालॉग वॉच अलाउ होती है। आप है ना कांटे वाली, सिंपल कांटे वाली सुई ले जाएंगे तो वो एनालॉग हो जाएगी, और जो डिजिटल होती है जिस पर नंबर आते हैं, जैसे आपको मोबाइल फ़ोन है वो क्या डिजिटल फ़ोन है, क्योंकि हर चीज़ डिजिट्स में दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा समझिए। यह तुलनात्मक रूप से सस्ता है और इसका उपयोग काफ़ी आसान होता है। आप तो बस इतना समझ जाना, अगर डिजिट्स दिखाई दे रही है, डिजिट मतलब जैसे 1.00 है ना, अब ये क्या है, ये डिजिट्स हैं। अब मान लीजिए 11 लिखा है, डिजिट्स है 11 डिजिट, परंतु अगर ये इस तरीके से नंबर लिखे होते 1 2 3 4 5 6, अभी क्या डिजिट्स में नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या ये कांटा है, ये कांटा बताता है आपको कि ये किस चीज़ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एनालॉग हो गया। अगर कांटा मूव कर रहा है, नंबर तो अपनी जगह फिक्स हो गए, ठीक है, और परंतु कांटा मूव के बता रहा है ये 40 पर है, 50 पर है, 5 पर है, तो वो कौन सा हो जाएगा, एनालॉग हो जाएगा। आप देखो इतना सिंपल से ज़्यादा नहीं समझा सकता, बाकी अगर नहीं समझ में आए तो फिर और आप कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर वापस समझा देंगे। कोएक्सल केबल, अब देखो कोएक्सल केबल कौन सी होती है, कोएक्सल केबल देखिए, ये आपके सामने एक वायर हो गया, फिर उसके ऊपर कुछ चढ़ा हुआ है, फिर इसके ऊपर चढ़ा हुआ, फिर इसके ऊपर चढ़ा हुआ, इसके ऊपर ये चढ़ा हुआ, तो इतनी खूब सारी लेयर्स हो गई। ठीक है, अभी इसमें भी क्या शील्ड्स हो गई, ये अलग अलग लेवल की शील्ड्स हो गई। कोएक्सल केबल का उपयोग केबल टीवी, ठीक है, ट्रांसमिशन, लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, कम दूरी पर स्थित कंप्यूटर युक्तियों को जोड़ने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। तो आपने पढ़ा कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सल केबल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शील्डेड जैसी ही दिख रही है आप देखें तो, बस इसमें दो वायर की जगह पर एक ही वायर आ गया अंदर कॉपर का। ये वायर किस चीज़ का होता है, कॉपर, ठीक है, कॉपर का वायर होता है ये मोटा सा, तो इसके अंदर क्या होता है, एक ही वायर होता है, और ऊपर जो ये जाली है, फिर इसके ऊपर ये वाली है, तो इसके अंदर अलग सिग्नल हो गए है ना, इसके अंदर जैसे पॉजिटिव हो गए तो इसके अंदर नेगेटिव सिग्नल्स हो गए, इस तरीके से होता है इसमें भी। ठीक है, तीव्र गति ब्रॉडबैंड नेटवर्क, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क में भी इसका उपयोग किया होता है। कोएक्सल केबल दो प्रकार की होती है, जो कोएक्सल केबल है दो प्रकार की होती है, एक तो थिन नेट और एक थिक नेट। थिन होंगी ये लचीली होंगी, सस्ती होंगी, पतली होंगी, इन्हें लगाना आसान होता है, ये अधिकतर नेटवर्किंग में काम में ली जाती हैं। तो यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये किस में काम में ली जाती हैं। पहला हो जाएगा थिन नेट, तो ये लचीली सस्ते, इन्हें लगाना आसान और अधिकतर नेटवर्किंग में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी हो गई थिक नेट, थिक नेट मतलब मोटी हो गई, इन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता अतः इन्हें काम में लेना कठिन होता है। इनका उपयोग केबल टीवी नेटवर्क में अधिक होता है, तो ये क्या होता है, रोडों में डाली जाती है, ज़्यादा मोटी हो जाती है, थिक नेट मोटी का उसमें डाली जाएंगी। अब देखिए कोएक्सल केबल का उपयोग मध्य दूरी के संचार में होता है, मतलब मीडियम दूरी, मतलब जो 1 किलोमीटर से तो ज़्यादा और 100 किलोमीटर से कम, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसमें बाहरी जाली की उपस्थिति के कारण विद्युत विरोध, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। इसकी बैंडविड्थ भी ट्विस्टेड पेयर की तुलना में अधिक होती है, पर ये ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में महंगे होते हैं। ठीक है, कोएक्सल केबल क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में ये महंगे आते हैं। आ जाइए अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है जनरली, ठीक है, वो नहीं पूछेंगे तो ये पूछेंगे, हमको ये पढ़ना था ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसलिए हम वो सारी केबलें पढ़ कर आए हैं, वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, पर यहाँ से पूछने के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अब यहाँ देखिए जो बीच में आपको ये दिख रही है, इसको तो बोलते हैं कोर, ठीक है, अब ये कोर होती है बिल्कुल ही बहुत पतली होती है, अपना जो सर का जो बाल होता है ना, इतना पतली होती है ये कोर, और ये क्या होता है, ग्लास होता है, ग्लास, ठीक है, कांच का बना होता है पूरी तरीके से। कोर किसकी बनी होती है, कांच की बनी होती है, कांच याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। फिर उसके ऊपर कांच के ऊपर ये कोर है, कोर के ऊपर क्लैडिंग चढ़ी होती है, ठीक है, क्लैडिंग के ऊपर कोटिंग होती है, और कोटिंग के ऊपर स्ट्रेंथ मेंबर होती है, और वो आउटर जैकेट हो जाती है, ये थोड़ा सा आप याद रखना। अब जो ये कोर है, कोर के अंदर जो सिग्नल, जो लाइट रे ट्रेवल करती है, इसमें क्या ट्रेवल करती है, लाइट, ठीक है, लाइट रे, इसमें जो अपन क्या बोले, प्रकाश तरंगी, प्रकाश तरंग क्या करती है, आगे ट्रेवल करती है। आज ये इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आपको अच्छे समझाएंगे। अब देखिए तार वाला डाटा संचरण में प्रयुक्त होने वाली यह सबसे नई प्रकार की, बिल्कुल न्यूएस्ट, लेटेस्ट, ठीक है, केबल है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, केबल है, इस केबल में विद्युत संकेतों के स्थान पर प्रकाश तरंगों का संचारण होता है, तथा यह संचारण एनालॉग, ठीक है, एनालॉग रूप में ना होकर किस में होता है, डिजिटल रूप में होता है, ठीक है, एनालॉग में नहीं होता है, इसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है, डिजिटल में होता है। एक अकेला ऑप्टिकल फाइबर केवल आदमी के एक बाल से भी पतला होता है, अत्यधिक लचीला होता है। इसका व्यास कितना होता है, इसका व्यास का मतलब होता है डायमीटर,
दो से लेके 125 माइक्रोमीटर होता है, 2 माइक्रोमीटर से लेकर 125 माइक्रोमीटर। आपको माइक्रोमीटर अच्छे से याद रखना है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये याद रखना है ठीक है। तो ऐसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल। इसका भीतरी भाग जो कोर कहलाता है कांच अथवा प्लास्टिक से निर्मित होता है, कि ये तो कांच हो गया और प्लास्टिक से मिक्स होता है। इसके चारों ओर कांच की ही एक पतली परत चढ़ी होती है, जिसे क्या बोला जाता है, क्लेडिंग कहा जाता है ठीक है। कांच की ही परत है ये भी, इसे क्लेडिंग कहा जाता है। क्लेडिंग का अपवर्तनांक जो ऊपर वाली क्लेडिंग है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर की तुलना में कम होता है, इसमें रिफ्लेक्शन कम होता है, कोर में अधिक रिफ्लेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए ये कोर हो गए तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, जब ये क्लेडिंग हो गई तो इसमें क्या करेगा, ये जाएगा इसमें कम होगा ठीक, इस तरीके से। आ जाइए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर जो लाइट ट्रेवल करती है वो कैसे करती है। वो करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ठीक है। अब जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, क्योंकि इसके बिना हम ये समझ नहीं पाएंगे कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो लाइट ट्रेवल कर रही है, जो डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि इस लाइट के अंदर क्या होता है, डेटा होता है। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या होता है, 2 माध्यम होने चाहिए। पहला जैसे मान लीजिए ये माध्यम है एयर, और दूसरा माध्यम है ये देखिए नीचे वाटर लिखा हुआ है ठीक है, एयर हवा और वाटर। अब यहाँ देखिए ये इंसिडेंट रे होगी, जो मतलब जो हमने लाइट भेजी कम्युनिकेशन वाली लाइट, और ये कुछ एंगल पे यहाँ पे बैंड कर रही है। तो हमने यहाँ देखा कि नीचे यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, मैं इसको वापस क्लियर करता हूँ। अब देखिए ये जो बी है, बी एंगल कितना होगा, ये 15 डिग्री है, और ऊपर कितना चेंज आ रहा है, 45 डिग्री का चेंज आ रहा है। ऐसे ही जब अपन ने इसका डिग्री बढ़ा दिया, 30 डिग्री कर दिया, तो ये कितना बढ़ गया, 90 डिग्री के एंगल पर बैंड कर गई। और जब अपन ने इसे क्या करा, 45 डिग्री पर रे भेजी, तो ये 45 डिग्री पर बैंड हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक रे को अलग अलग एंगल पर भेजते हैं तो वो अलग अलग तरीके से बैंड करती है दूसरे माध्यम में जाने पर। तो अब ये देखिए ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई, इसी माध्यम से गई थी, इसी माध्यम में वापस आ गई। जिस माध्यम से चलेगी उसी माध्यम में अगर वापस आ जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है, कि पूरी तरीके से वो अंदर की तरफ ही रिफ्लेक्ट हो गई। इस वाली लाइन की बात ये है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे कि जब ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, मान लीजिए ये वाला क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है, ग्रीन से बना देता हूँ, ये ऑप्टिकल फाइबर हो गया। अब इसके अंदर अपन ने क्या होगा, एक लाइट भेजी, ये लाइट किससे बनाऊँ, इस ब्लू से बनाता हूँ ठीक है। अब ये जो लाइट भेजी है ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट कर रही है, बाहर नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि इसी माध्यम से ये एक माध्यम है, और इस पर भेजने का जो एंगल है वो इन्होंने इस तरीके से रखा है कि ये पूरी तरीके से अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहे ये लाइट है ना, जिससे क्या होगा, इस तार से बाहर नहीं जाएगी, और उस तार से बाहर नहीं जाएगी तो अपना जो अपन जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। लाइट तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड होती है लाइट की करीब, है ना, करीब करीब कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी 1 सेकेंड में ही, मतलब चांद तक चली जाएगी। जैसे आपने बोला चांद पे चली गई लाइट, क्योंकि चांद यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, 3 लाख किलोमीटर के आसपास दूरी है। अब यहाँ आ जाइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, देखो आप यहाँ से पूरा पढ़ भी देते हैं इसको आपके लिए। अब देखिए जब दो भिन्न अपवर्तनांक वाले पदार्थों में प्रकाशीय संकेत भेजे जाते हैं, अलग अलग हो गए है ना, अपवर्तनांक वाले पदार्थ हो गए, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, और प्रकाशीय संकेत मतलब ये लाइट जो भेजी जाती है, तो भिन्न अपवर्तनांक के कारण प्रकाशीय किरणें क्या होती हैं, अपवर्तित होने की बजाय परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तित मतलब बैंड हो जाती है, रिफ्रैक्टेड हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाना है ना, परावर्तित हो जाना। इस प्रकार OFC है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कार्य प्रणाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस वाले मेथड पर आधारित होती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण प्रकाशीय संकेत तंतु के कोर में ही बने रहते हैं। अब ये देखिए ये इसकी कोर हो गई, तो इसी कोर के अंदर हमें ये लाइट देखने को मिल रही है, जो रही है इसी के अंदर बनी हुई है। फलस्वरूप संचारण के साथ साथ ये क्षीण नहीं पड़ते, तंतु में कांच की परत क्लेडिंग के चारों ओर एक जैकेट और ओर होता है, जो इसे आवश्यक मजबूती प्रदान करता है। अधिक महीन होने के कारण एक सामान्य मोटाई के केबल में हजारों प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर फिट हो सकते हैं ठीक है। सामान्य जो वायर होता है उसमें हजारों तंतु, बहुत पतला वायर होता है, तो आप सोचिए इतने से में कितना ज़्यादा वायर आ जाएंगे, आप ये सोचिए ठीक है। हमारा जो इंसान का एक बाल होता है उतनी पतला है, इसका क्या होता है, कोर होती है। आ जाइए नेक्स्ट चलें। अब देखिए कंप्यूटर से विद्युत संकेत इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्राप्त होते हैं, जबकि
OFC है ना, कंप्यूटर से कैसे होते हैं विद्युत इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और जबकि OFC है ना ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से केवल प्रकाश, ये लाइट। ठीक है, लाइट किस में हो गई, ऑप्टिकल फाइबर केबल में हो गई, और कंप्यूटर में कौन से, कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल हो गए, तो इनका मेल कैसे है, तो संकेत ही संचारण किए जा सकते हैं, अर्थात विद्युत संकेतों को प्रेषित करने से पूर्व एक परिवर्तक कन्वर्टर की सहायता से प्रकाशीय संकेतों में परावर्तित करना पड़ता है। समझ गए कि तो क्या हम क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं उनको किस चीज़ में चेंज कर रहे हैं, लाइट सिग्नल्स में, और जब हम उसे कंप्यूटर में पढ़ना होगा तो हम क्या करेंगे, लाइट को वापस से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके इसको देख लेंगे। आप देखिए OFC डेटा संचारण की एक बहुत ही विश्वसनीय तथा सुरक्षित साधन है, क्योंकि इस केबल से डेटा चुराया नहीं जा सकता। तीव्र गति और लंबी दूरी तक अधिक डेटा संचारण के लिए OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके द्वारा डेटा संचारण की दर 100 MBPS प्रति सेकंड 2 GB प्रति सेकंड तक होती है, 100 MB से लेकर 2 GB तक। 2 GB का मतलब है 2048 MB, इतनी है ना, 100 MB से लेकर 2048 MB तक इसकी स्पीड हो सकती है। OFC कॉपर केबल की तुलना में काफ़ी हल्के होते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। आ जाइए अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर, बिल्कुल पतला बिल्कुल बीच में दिख रहा है, और इसके ऊपर एक क्लेडिंग चढ़ी हुई है ना, ये फाइबर चढ़े हुए हैं, तो इस तरीके से PVC शील्ड हो गई, कॉटन याम हो गया, ट्रिम्ड कॉपर हो गया, ऑप्टिकल फाइबर तो ये बीच वाले हो गए जिसके अंदर लाइट दिखाई दे रही है। ये जो लाइट दिख रही है यही है ऑप्टिकल फाइबर है, यहीं से आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स पार्ट सेकंड, यहाँ से अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, और जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी आपको बता देते हैं अब। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अब देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, विच सुपर कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय द इंडियन साइंटिस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपके सामने चार ऑप्शन है, परम, सुपर कंप्यूटर 301, क्रेव, YMP, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजय अब जाने से पहले आपसे पूछ लेते हैं एक क्वेश्चन, बताइए जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, तो इसके जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसको बोला जाता है कोर। सबसे इनर मोस्ट कौन सी होती है, कोर होता है सबसे अंदर बीच में। ठीक है, तो कोर के जस्ट ऊपर, ठीक है, जस्ट ऊपर ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, आपके सामने चार ऑप्शन हो गए, ऑप्शन नंबर ए आउटर जैकेट, ऑप्शन बी क्लेडिंग, ऑप्शन डी सी कोटिंग, ऑप्शन डी कोर फिल्म। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है ना, वाली लेयर को क्या जाता है, वाली लेयर, ठीक है, लेयर लेयर को क्या कहा जाता है। आपके सामने क्वेश्चन हो गया, आउटर जैकेट, क्लेडिंग, कोटिंग या कोर फिल्म, तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको, कमेंट सेक्शन में लिखना है, और इसका आंसर अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तभी इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, अदरवाइज तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता ही है। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहिए।